आज शनिवार को रामलीला परिषद फतेहगढ़ की बैठक मोहल्ला दाल मंडी स्थित परिषद के मंत्री अतुल मिश्रा के आवास पर हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने भाग लिया। कमेटी के महामंत्री पंकज अग्रवाल ने कमेटी का कार्यकाल पूर्ण होने की नई कमेटी गठन करने पर विचार रखे, जिस पर कमेटी के संरक्षक अरविंद वाजपेयी, मुन्नालाल बास ने, नरेंद्र त्रिवेदी आदि ने एक राय होकर पुरानी कमेटी पर ही विश्वास जताते हुए पुरानी कमेटी का अनुमोदन कर दिया। पंकज अग्रवाल ने कहा, सब्जी मंडी पर राम निवास में स्थित शंकर जी के मंदिर पर श्रावण मास में श्रृंगार व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होना चाहिए। मंत्री अरविंद कुमार बैस ने कहा कि चंदे की मजबूत टीम बनाई जानी चाहिए, जिसमें युवाओं की भागीदारी भी हो। इस दौरान मोहल्लों में भी चंदा करने की योजना बनाई गई। अध्यक्ष रवि त्रिवेदी ने कहा कि आज देश की महिलाएं किसी कार में पीछे नहीं है, रामलीला में भी महिलाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जिससे परिषद को और बल मिल सके। उपाध्यक्ष श्रवण कुमार ने सुझाव दिया कि कमेटी की मासिक बैठक होनी चाहिए, तो वही सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि कमेटी की तरफ से 50 सदस्यों को रामलीला की तरफ से एक दान पेटिका उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह साल भर आराम से सहयोग राशि इकट्ठी कर सकते हैं। आगामी मीटिंग में यह दान पेटिका उपलब्ध कराई जा सकती है। साज सज्जा प्रभारी संजय रस्तोगी के द्वारा पूर्व से चला आ रहा राजशाला निर्माण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। गौरतलब है कि जेएनबी रोड गमा देवी मंदिर स्थित जिला रामलीला परिषद की रसाला की जगह है, जिससे कुछ रसाला निर्माण कराया जाना है। अब यह जगह का कुछ भाग अतिक्रमण अभियान की जद में भी आया है। अगली मीटिंग परिषद के उपाध्यक्ष श्रवण कुमार के आवास मोहल्ला फुलमंडी फतेहगढ़ में 7 अगस्त को होना तय हुआ है। इस दौरान रविश द्विवेदी, मुन्ना लाल बाछड़े, चमन टंडन, पप्पू वाजपेयी, पंकज अग्रवाल, हाजी अल्लादीन, नारायण त्रिवेदी, टेल मास्टर अतुल मिश्रा, अवनीश मिश्रा, रामजी चतुर्वेदी, रानु दीक्षित, सरस शुक्ला, नीतीश सक्सेना, रविंद्र बैस, रतिपाल श्रीवास्तव, संजय रस्तोगी, सौरभ गुप्ता, श्रवण कुमार, नरेश चंद वर्मा, गिरीश चंद बाथम, महिला मंडल की अध्यक्ष मोनिका मिश्रा, रुचि मिश्रा, कमलेशी देवी आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए, क्या कुछ कहना है रामलीला परिषद फतेहगढ़ के अध्यक्ष रविश द्विवेदी का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो अतुल मिश्रा जी के यहाँ रखी गई थी, और हमारी कमेटी का नई रिन्यूवल जो है वो ड्यू चल रहा था। कोविड की वजह से 3 साल रामलीला हो नहीं रही, 2 साल से। तो सबसे पहले तो कमेटी के ऊपर विचार विमर्श किया। क्या चेंजेस हुए? चेंजेस में हमारे जो संरक्षक महोदय यहाँ कमेटी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने यही कहा कि कोई पुरानी कमेटी अभी रखी जाए, और जो लोग हमारे साथ छोड़ गए हैं इस कोविड-19 की वजह से, वो लोग बासी हो गए हैं, उनकी जगह हम लोग फिर भरेंगे, देखेंगे उनकी जगह कोई और नहीं। क्या नए युवाओं को मौका दिया जाएगा? ये युवा का तो पूरी हमारे साथ युवा हमेशा जुड़ा रहा, और हम जो भी रामलीला कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो युवा वर्ग है वो बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहा है। क्या एक नया संगठन महिलाओं के लिए बनाएंगे इसमें आप? नहीं, नया संगठन तो नहीं है महिलाओं का। महिलाओं का संगठन हमारा पुराना है, पुराना भी चल रहा है कुछ वर्षों से, सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही महिलाओं की। उनका मिश्रा जो थी वो उसकी अध्यक्ष है, और पिछली बार असल में हुआ है कि 2-3 साल से जो रामलीला नहीं हो रही उसकी वजह से बड़ा अजीब सा हो गया सब। अब इसको फिर से पुनः संगठित करना पड़ेगा। ये रामलीला करने मंचन पर क्या तय हुआ है? हाँ, मंचन हम लोग करवाएंगे, रात की लीला का मंचन करवाएंगे। एक बार हम फिर आपसे कहेंगे यही कि अगर प्रशासन हमको अनुमति देगा तो हम निश्चित तौर पे रामलीला करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी रामलीला फतेहगढ़ नगर वासियों को हम लोग दिखवाएं। कुछ चंदे को लेकर नई रणनीति बनाई गई है? अब चंदे को लेकर चूंकि कोविड-19 की वजह से भी लोग परेशान हैं, और कुछ महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, तो आज मीटिंग में ये हम लोगों ने महसूस किया कि चंदा हम लोगों को उतना नहीं मिल पाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि चंदे को थोड़ा सा और इधर उधर बढ़ाया जाए किसी तरीके से, जिससे कि हमारी जो है वो खर्चे हैं वो गली मोहल्लों में भी चंदा करने की प्रक्रिया बन गई है। हाँ, ये भी बात आज रखी गई कि पहले जो रामलीला हुआ करती थी उसमें मोहल्लों से भी चंदा किया जाता था। अगर इसमें कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग हम लोग तो नहीं कर पाएंगे मोहल्ले वाला चंदा, क्योंकि वो हमारी कमेटी के लिए असंभव है, और ये अगर कोई लोग तैयार होंगे तो हम जरूर करेंगे। कुछ दान पेटी संबंधित मामला? हाँ, ये दान पेटी का मामला पिछले कई मीटिंगों में उठाया गया था, तो इस बार मैंने ये तय कर लिया है कि हम दान पेटियां बनवाएंगे, और इच्छुक लोगों को अगली मीटिंग जो 7-8 अगस्त को होगी
उसमें हम जो इच्छुक लोग होंगे उनको हम देंगे। कहाँ आप कितनी दान पेटियां देंगे? हमने तो अभी 50 के लिए कहा है और कोशिश ये करेंगे अगर और ज्यादा मिल गई तो और ज्यादा भी करवा देंगे। अगली मीटिंग कहाँ और किसके आवाज़? हाँ, अगली मीटिंग 7 अगस्त को होगी। साथी है 7 अगस्त को सिमरन कुमार चक जो हमारे रामलीला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, पुल मंडी पर रहते हैं ये, और इनका ये माँ दुर्गा नहीं नहीं दुर्गा चित्रशाला और बाकी कैटर्स वगैरह का भी है काम इनका, उन्हीं क्या होगा।